स्टूडेंट्स, यूनिक ऑनलाइन गुरु के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बीसीए के लिए एलिमेंट्री फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और फोर्सेस में हम लास्ट टॉपिक हमारा जो था वो था कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मतलब कि कौन से फोर्स ऐसे होते हैं जो कॉन्टैक्ट से काम करते हैं, ऐसे कौन से फोर्स होते हैं जो बिना कॉन्टैक्ट में भी काम कर सकते हैं। तो एक बार उसका ज़रा हम रिविजन कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स हमको पता है टू पुश और टू पुल ऑन अ बॉडी, ये फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स वो क्या होता है, जब जो फोर्स का जो सोर्स है, मतलब जो बॉडी अप्लाई कर रही है फोर्स और जिस पर अप्लाई कर रही है, उन दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी हो। जैसे हम पुश करते हैं दरवाजे को, या फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और भी कई सारे जितने हम नॉर्मल लाइफ में एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये जो बोर्ड पर हम लिखते हैं ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना इस कॉन्टैक्ट के हो नहीं पाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के, मतलब कि इनमें कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। और दूसरा हमारा जो टॉपिक था वो आगे का था कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे फोर्सेस जिनमें जो सोर्स है यानी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है और जिस बॉडी पर अप्लाई हो रहा है फोर्स, उन दोनों के बीच में फोर्स का लगने के लिए कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट का होना ज़रूरी नहीं हो। मतलब कि फोर्स लगेगा अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट है तब भी, नहीं है तब भी, फिजिकल कॉन्टैक्ट वहाँ पर नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन थे, मैग्नेटिक फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था और ग्रेविटेशनल फोर्स था। ये ऐसे फोर्स होते हैं जिनमें अगर बॉडीज़ के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है फिर भी वो फोर्स काम करेगा। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कॉन्टैक्ट होगा तब भी काम करेंगे, नहीं होगा तब भी काम करेंगे, जबकि कॉन्टैक्ट वाले जब तक बीच में कॉन्टैक्ट फिजिकल होगा तभी वो कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तब भी काम कर पाएंगे, अदरवाइज वो फोर्स वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं, उन फोर्सेस के एग्जांपल्स। अब हमारा जो अगला है वो ये था, हमने थोड़ा सब पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, दो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव किस पे होता है, प्रोटॉन पे, नेगेटिव किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे, उनके बीच में लाइक लाइक जो होते हैं और रिपल करते हैं और अनलाइक जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमारा था मैग्नेटिक फोर्स में कि जो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, तो नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटिक में सेम कॉन्सेप्ट था। लेकिन जो तीसरा हमारा फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको प्रपाउंड किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ये प्रॉपर्टी है कि वो रिपल्सिव नहीं होता है, मतलब कि उसमें जो दो बॉडीज़ हैं उन दोनों के बीच में अगर मास है तो उनमें फोर्स जो लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा दोनों को, रिपल नहीं करेगा। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिपल भी होता है। तो ये एक डिफरेंस था इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में। और फिर हमने समराइज कर लिया था कि ये कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। उसके बाद में इस जो ये सेशन ख़त्म होता है, हमने थोड़ा सा पढ़ा था सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में। क्यों पढ़ा था, क्योंकि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ये कहाँ पे वर्क करते हैं, जहाँ भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, मतलब कि वो एक सेंटर पॉइंट के चारों ओर रोटेट कर रही है, घूम रही है। ऐसे में जो फोर्सेस आते हैं वो कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट दोनों फोर्सेज यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का कैसा एग्जाम्पल लेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसे कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारा, ये कहाँ पे एग्जांपल होगा, एक हम साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, कार चलती है, वो जब एक सर्कुलर टर्न लेती है कहीं पे रोड पे, तो जो टर्न लेते समय उसके जो मास होता है उसकी वजह से उसमें इनर्शिया होती है। कौन सी इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, उसकी वजह से वो कार स्लिप होके बाहर चली जाएगी, मतलब अगर उसको हम टर्न करेंगे तो टर्न नहीं होके ऐसे बाहर होते चली जाएगी, उससे जो मेन सेंटर है रोड का जहाँ से टर्न हो रही है उससे दूर होते चली जाएगी। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे क्या काम करता है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स वो काम करता है, वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सोर्स है वो वही रहता है। कैसे रहता है कि फ्रिक्शन जो होता है वो टायर और रोड के बीच के जो फ्रिक्शन, वो उस टायर को ग्रिप करके रखता है, उसको फिसलने नहीं देता है कि कार जो है वो रोटेशन करते समय बाहर चली जाए, इसको रोकता है। इसीलिए फ्रिक्शन यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि इसमें सेंट्रल
जो मोशन है सर्कुलर मोशन उसको करा रहा है। ऐसे जो था एक एग्जांपल में था कि एक बॉल है जिसको हम स्ट्रिंग से बांध देते हैं, स्ट्रिंग से बांधने के बाद उस बॉल को हम ऐसे रोटेट करते हैं ऊपर, तो क्या है सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन वहाँ पे जो मोशन के लिए जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो स्ट्रिंग के और जो हमारा हाथ है उंगली है उनके बीच में कॉन्टैक्ट होता है तभी वो फोर्स हम लगा पाते हैं। जैसे ही कॉन्टैक्ट टूटता है वो टेंजेंशियली फ्लाई होकर जाता है, बाहर चला जाता है बॉल। और नॉन कॉन्टैक्ट वाले में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कराता रहता है, वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ करता है, जैसे अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, मून मूव करता है अर्थ के अराउंड, ये जो प्लैनेट्स होते हैं जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं स्पेस में मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, उसमें कौन सा रहता है फोर्स, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ही रहता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो इसीलिए ये हमारा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा ज़रूरी हो गया था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वही फोर्स जो इस सेंटर के बीच में और जो बॉडी यहाँ पे रोटेट कर रही है उनके बीच में लगता है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, उसी के अपोजिट में थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन का पेयर बनता है। तो रिएक्शन वाला जो फोर्स है, इसकी एक्शन हुए और एक्शन के अगेंस्ट में जो ये बॉडी इस पर रिएक्शन लगाती है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब इस फोर्स के अपोजिट में डायरेक्शन में काम करता है सेम मैग्नीट्यूड से। और फिर हमारा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम स्यूडो फोर्स या फिर फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं, फिक्टिशियस फोर्स, इसे क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, फिक्टिशियस फोर्स। फिक्टिशियस फोर्स का भी वही मतलब है, फिक्टिशियस फोर्स का भी क्या, ये एक्चुअली में रियली में एग्जिस्ट नहीं करता, बस खाली हमें लगता है कि एक फोर्स है यहाँ पे। लेकिन ये फोर्स क्यों होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या था, ये जो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जो बॉडी के इनर्शिया है मोशन की, उसके वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होता है। तो एक्चुअली में फोर्स नहीं होता जो कि एक्चुअली में कोई बॉडी अप्लाई कर रही होती है, सेंटर अप्लाई कर रहा हो उस पर, ये रियल में फोर्स नहीं होता, ये उसके इस जो बाहर इसकी बॉडी है जिसका मास है उसमें एक वेलोसिटी है, उसके इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये फोर्स खाली वहाँ पे वर्क करता है, फील होता है कि ये फोर्स है वहाँ पे। तो ये था हमारा पिछला सब्जेक्ट, पिछला जो हमने पढ़ा था। अब इसके बाद में हम आते हैं, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ लिया, अब हम आज की अपनी क्लास में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो ये होगा, आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जानने के लिए हमें सबसे पहले सेंटर का कॉन्सेप्ट समझना होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, सेंटर का। तो एक सर्कल बनाते हैं पहले, एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल है हमारा, इसका सेंटर क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ पे होगा, इस सर्कल का सेंटर सपोज है O, और यहाँ से जो रेडियस है सर्कल का, यानी इसकी डिस्टेंस ये क्या है, R, R है ये डिस्टेंस और ये सेंटर है O। अब यहाँ पे हमने कहा था कि ये सपोज एक स्ट्रिंग है, एक धागा है जो यहाँ पे बना है, यहाँ सेंटर से जो अटैच्ड है, और यहाँ पे एक बॉल है जिसका मास क्या है, m है। अब बॉल है, मास m है, वो v वेलोसिटी से, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो v है, और उससे वो मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगने का क्या होगा कि जब फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, और उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे फिर आते हैं कि एक्सेलरेशन हो कैसे रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यही तो होता है एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आया और कितने टाइम में आया, यही होता है एक्सेलरेशन। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, हमने कह दिया कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली यहाँ से यहाँ पे, पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन अभी क्या है, यहाँ पे जब इस पॉइंट पे है, जब ये बॉडी जो है ये जब इस पॉइंट पे है, ये पॉइंट सपोज हम मान लेते हैं इसको ए नाम देते हैं, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, और जब ये यहाँ से मूव होके यहाँ सपोज पहुँच जाएगी, ये हम डॉटेड दिखा रहे हैं कि ये आगे का हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पहुँच गई सपोज बॉडी, जब यहाँ पे सपोज पहुँचेगी यानी पॉइंट बी पे, अब इसकी वेलोसिटी तो यही रहेगी, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अब क्या हो गया, इस साइड का हो गया। अगर इसको नॉर्थ साउथ प्लेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन देखें तो ये अभी नॉर्थ था, अभी ईस्ट है,
तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वो किस वजह से चेंज हो रही है, ये जो फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये जो फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है एफ, सेंट्रिपिटल फोर्स वर्क कर रहा है, उसकी वजह से वही यहाँ पे एक्सेलरेशन करा रहा है, वही यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करा रहा है, अदरवाइज वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। तो हमें फिर आता है कि वेलोसिटी में ये जब एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी में, तो इसका कुछ वैल्यू भी होगी एक्सेलरेशन की, तो वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब ये सेंट्रिपिटल जो फोर्स होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कितना होता है मैग्नीट्यूड। तो इसका हमें है कि इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये जो फोर्स है सेंट्रिपिटल, सेंट्रिपिटल, ये जो सेंट्रिपिटल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, बॉल का मास। वी क्या है, जिस वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिससे वो मूव कर रही है, जिससे मोशन में है। और आर क्या है, रेडियस यानी यहाँ सेंटर से इसका डिस्टेंस, ये है आर। तो ये फोर्स क्या है, एफ सेंट्रिपिटल का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। और हमें जो सेकेंड लॉ था उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आया था, एक स्टेटमेंट आई थी, हमारी इक्वेशन एक पहली इक्वेशन हो गई, और हमारा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, अब सेकेंड लॉ कौन सा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। है ना कि जो एक्सेलरेशन होती है वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, मास जो होता है। तो ये एक इक्वेशन हमारी ये है कि एफ जो है वो यहाँ पे एम ए है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ से हम फर्स्ट कंपेयर करते हैं कि ये भी फोर्स है, ये फोर्स यहाँ पे, ये फोर्स जो है एफ एम ए, यही तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स है, यही तो फोर्स है इन दोनों के बीच में जो लग रहा है, मतलब ये जो फोर्स है यही क्या है, यही सेंट्रिपिटल फोर्स है, एफ सेंट्रिपिटल, ये जो फोर्स है एम ए के बराबर, वही सेंट्रिपिटल फोर्स है। तो अब हमें समझ में आ गया है कि सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड ये है और सेंट्रिपिटल के फोर्स का मैग्नीट्यूड ये है, मतलब ये दोनों क्वांटिटी सेम है, क्योंकि ये दोनों सेम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बस टर्म्स अलग अलग हैं। इसमें मास, वेलोसिटी और रेडियस के टर्म्स में है, इसमें मास और एक्सेलरेशन के टर्म्स में है। तो अब चूंकि हमें पता है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम हैं, तो इन वैल्यूज को हम इक्वेट कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। तो हमें क्या आया, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, पहली और दूसरी से क्या आया, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये किसके बराबर आया, एम ए, क्योंकि दोनों में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है, फोर्स सेम ही है, बस खाली उसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पे मास, यहाँ भी मास है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो ए यहाँ पे क्या आया, वी स्क्वायर बाई आर। और ये ए क्या है, ये जो ए आया यहाँ पे, ये ए क्या है, ये वही सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है जो वहाँ पे जो बॉडी जब मूव कर रही है, ये जो बॉल यहाँ पे मूव कर रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है ना, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यही है वी स्क्वायर बाई आर, जो है ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है। इसको हम यहाँ पे ऐसे सी से सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वी स्क्वायर बाई आर। अब इसके थोड़ा एक एग्जाम्पल इस पर देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाए पॉइंट ये। जैसे सपोज किसी ने पूछा, एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं, खाली हमें ये इसलिए कि ये जो V और R है और A है, जो मतलब ये वेरिएबल्स हैं, उनकी जगह हमें कुछ वैल्यूज रख के हम इस फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकें। तो क्या करना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये बॉल वाला लेते हैं, या फिर एक बॉल है जो सेटेलाइट का एग्जाम्पल लेते हैं, जो सेटेलाइट है हमारी, जैसे हमारी जो नेचुरल सेटेलाइट है वो क्या है, मून है। आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स भी होती हैं जो डिफरेंट कंट्रीज अपने अपने रॉकेट से भेजती हैं, किस लिए, जैसे वो वेदर की डेटा निकालने के लिए, या जीपीएस की डेटा निकालने के लिए, जो पोजिशनिंग होती है। तो अलग अलग सेटेलाइट्स हैं, और वो सेटेलाइट्स अगर उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक करें 2D में, मतलब अगर 2D में समझने की कोशिश करें, तो ये सपोज अर्थ है, जो अर्थ है वो कौन सी है, ये अर्थ है, ये अर्थ है हमारी, और अर्थ पर से जब लॉन्च किया गया सेटेलाइट को, तो सपोज यहाँ पे इस पाथ में मूव कर रही है सेटेलाइट, जो सेटेलाइट है वो इस पर्टिकुलर पाथ में मूव कर रही है, और ये सेटेलाइट मान लीजिए यहाँ पे है, और चूंकि सेटेलाइट के जो साइज है
वो अर्थ की कंपैरिजन में और अर्थ से उसकी डिस्टेंस की कंपैरिजन बहुत बहुत छोटा है, तो उसको हम एक पॉइंट मास समझ सकते हैं इस सिनेरियो के लिए। और लेकिन वहाँ पे एक्चुअली मास क्या होगा, जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा वहाँ से हम निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कैसे निकालते हैं, आगे हम देखेंगे। फिलहाल ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो सेटेलाइट है वहाँ पे, हम उसको मानेंगे कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका पर्टिकुलर कोई मास है। अब मान लीजिए जो इसका मास है, मास एक अर्थ का मास क्या होता है, एम ई मान लीजिए इसे, मास ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट कर दें, और इस सेटेलाइट का मास क्या है, एम एस, मास ऑफ सेटेलाइट। अब यहाँ इन दोनों के बीच में अब जो हो रहा है, जो ये रोटेशनल मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, वहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सा लग रहा है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है। ये किस कौन सा फोर्स है, जो अर्थ का फोर्स है, जो अर्थ वहाँ पे फोर्स लगा रही है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रही है इस सेटेलाइट पे, उसी की वजह से उसमें मोशन हो रहा है। जो सेंट्रिपिटल फोर्स है इस सर्कुलर मोशन के लिए वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को हम निकालते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर यहाँ पे लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, ऐसे ही कुछ। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम लिखते हैं, सिंस जो फोर्स है, फोर्स कितना है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। फोर्स इसमें कौन सा लग रहा है, जी हम लिख देते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने फॉर्मूला केवल अभी समझा है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला हमें पता है, इसीलिए हमने इन फोर्सेस को थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लिया था पहले कि फॉर्मूला क्या है, कि हम आगे थोड़ा उनका एप्लीकेशन कर सकें, फिर आगे चल के उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये पता है कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी टाइम्स एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जो जिसकी वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होती है, जिसको हम m1 into m2 upon r square से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू से, जब हम इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करते हैं g को, तो वो हमारा कितना फोर्स देता है, टोटल इस फोर्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उनका वैल्यू देता है। तो हम अब क्या करते हैं, g ये फोर्स का कितना वैल्यू है, जो फोर्स ग्रेविटेशनल है, g m1 m2 upon r square, और यही हमारा यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर रहा है। जब यही फोर्स हमारा सेंट्रिपिटल है, तो अब क्या आ गया कि सेंट्रिपिटल फोर्स और एक हमारा है, सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब सेकेंड लॉ से कि मास जो है उसका, और फिर जो एसी है यहाँ पे, एसी यहाँ पे क्या है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो हो रहा है इसमें, ये जो सेटेलाइट है उसमें जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो रहा है वो क्या होगा, वो भी इसी फोर्स के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही यहाँ पे मोशन करा रहा है, वही यहाँ पे सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वही करा रहा। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इसके बराबर हो गया मास इनटू फोर्स, ओ मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हो गया हमारा फोर्स। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दें, क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम ही हैं, बस टर्म्स अलग अलग यूज हुए हैं यहाँ पे। ये ग्रेविटेशनल के टर्म्स में दिखा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, और ये वही सिंपल एक्सेलरेशन को सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्म में फोर्स को दिखा रहा है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे अब देखने वाला है कि यहाँ पे M1 और M2 क्या है। R तो हमें पता है कि ये R जो है, R यहाँ क्या है, जो अर्थ से उस सेटेलाइट की डिस्टेंस है वो R है, और यहाँ पे M1 M2 क्या है, तो यहाँ पे M1 क्या है, M1 है ME, मास ऑफ अर्थ, पहला ऑब्जेक्ट इसमें से क्या है, अर्थ है, और दूसरा क्या है, M2 क्या है, MS, मास ऑफ सैटेलाइट। अब M1 और M2 की वैल्यू पता हो गई, ये मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ सैटेलाइट है। आगे चलते हैं, अब क्या कहेंगे, जब इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, FC जो होगा सेंट्रिपिटल फोर्स, वो क्या होगा, G टाइम्स ME इंटू MS अपॉन R स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, M इंटू AC, यानी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो उस सैटेलाइट में हो रहा है उसके बराबर है ये यहाँ से, और यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट। ये तो था कि सैटेलाइट का जो मास है उसी पर तो एक्सेलरेशन हो रहा है, सैटेलाइट में ही तो एक्सेलरेशन हो रहा है, तो उसी का मास यहाँ पे लिखेंगे, मास ऑफ सैटेलाइट इंटू ए सी, और यहाँ पे एम एस और एम एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए सी जो होगा, यानी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो हो रहा है उस सैटेलाइट में, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा उसके सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड।
ऐसा कुछ होगा। अगर इसमें हम कुछ वैल्यूज रख दें अपने हिसाब से, तो जी की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट होती है, क्या होती है जी की वैल्यू, क्या होती है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, आगे माइनस 11 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। जी क्या होगा यहाँ पे 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, ये जी की वैल्यू होती है। जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 इसका मैग्नीट्यूड, और यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, पर किलोग्राम इसकी ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हमें पता है जी की वैल्यू, जी की वैल्यू यहाँ से पता है, मास ऑफ अर्थ पता लग जाए, आर पता लग जाए कि कितने डिस्टेंस पे उस सेटेलाइट को रखा है, हम तुरंत नमारा के फॉर्मूले से आ जाएगा कि उस सेटेलाइट में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। तो ये था कॉन्सेप्ट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का, जो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है उस पर एक्सेलरेशन करा रहा है, और उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यहाँ से आया था एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है वी स्क्वायर बाई आर, मतलब कि जो सैटेलाइट है वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है अपॉन रेडियस, जिस रेडियस पे वो है। और यहाँ से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, देखिए एसी का वैल्यू क्या है हमारा वी स्क्वायर बाई आर, मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई रेडियस, और यहाँ पे हमारा क्या है जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी आई है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो सिंस एसी ये तो होता ही है, हम फार्मूले से निकाल चुके हैं वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर से आ चुका है कि जी क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर होता ही है, और ये किसके बराबर है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, दोनों वैल्यूज बराबर है क्योंकि एसी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जब लग रहा है तो उसके टर्म्स में हमारा जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर आया, और एसी की वैल्यू हमें पता है कि वी स्क्वायर बाई आर होता ही होता है। तो यहाँ से ये पावर्स कट जाएगी और क्या आ जाएगा वी स्क्वायर कितना होगा जी एम ई अपॉन आर, मतलब कि यहाँ पे क्या समझ रहा है जी कांस्टेंट है एम ई कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है और मास ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट है ही, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका ये क्या मतलब है कि जो वी स्क्वायर है वो आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि हम जितना ज़्यादा रेडियस बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा इस सेटेलाइट की हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे अर्थ से, उतना ही ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी, तभी वो एक स्टेबल ऑर्बिट में रह पाएगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सेटेलाइट को उस अर्थ के बहुत नियर रखना है, बहुत पास में रखना है, तो वहाँ पे हमें जो उसकी वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और यही फॉर्मूला, यही कुछ तरीका यूज़ होता है निकालने के लिए कि अगर सेटेलाइट को हम इस हाइट पर रखने वाले हैं तो हमें उसमें कितनी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, तब आता है कि इस हाइट पर सेटेलाइट स्टेबल हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या आ गया वी स्क्वायर बराबर जी एम ई अपॉन आर, तो वी कितना आ गया अंडर रूट जी एम ई डिवाइडेड बाई आर, ये आ गई हमारी वेलोसिटी जो सेटेलाइट की होगी जब वहाँ पे मूव करेगा। तो कहाँ से आया है, सिंपल सेकेंड लॉ जो था उसका हमने स्टेटमेंट लिया कि जो एफ होता है, जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और जो हमारा फोर्स होता है सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस। वहाँ से ही हमारा ये फॉर्मूला आ गया कि अगर किसी सैटेलाइट को एक सर्कुलर ऑर्बिट में रखना है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अगर आर रेडियस के ऑर्बिट में रखना है तो उसकी वेलोसिटी अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर होनी चाहिए। तो उसी सिंपल से फॉर्मूले का यूज़ करके हमने ये वैल्यू निकाल ली एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। इसीलिए होता है कि ये जो बेसिक लॉज हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो लॉज ऑफ मोशन है वो लगभग मोशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स का लगभग सोल्यूशन दे देते हैं। अगर हम उनमें अगर ये जो फोर्सेस हैं, जो वैल्यू आई है यहाँ पे, ये अभी थोड़ी सी इनएक्यूरेट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एयर का फ्रिक्शन है वेलोसिटी को ले जाने में, सैटेलाइट को ले जाने में, और फिर वहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सैटेलाइट का जो मास है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, हमने अभी सैटेलाइट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, पॉइंट मास लिया है कि उसका मास एक पॉइंट पे है, एक्चुअली में सैटेलाइट एक पर्टिकुलर शेप में होगा, उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वहाँ पे अगर उन वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा देखें और क्लियरली उन वैल्यूज़ को कंसिडरेशन में रखें, तो हम क्लियरली ये निकाल सकते हैं कि अगर इस डिस्टेंस पे सैटेलाइट को रखना है तो हमें कितना उसकी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, मतलब उसमें हम कितना स्पीड से उसको मूव कराएंगे कि वो उस ऑर्बिट में स्टेबल रहे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लॉज ऑफ मोशन है वो फिजिक्स के लगभग आधे पार्ट को हैंडल कर लेते हैं, जो मोशन की फिजिक्स है
उनके आधे पार्ट को हैंडल कर लेते हैं। जब इस मोशन को हम और हाईर लेवल पे लेके जाते हैं, वहाँ हमें कुछ एडिशनल लॉज की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज ये तीन लॉज, इसीलिए तीन लॉज इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन्हें हर क्लास में आप देखे होंगे कि शुरू से लेकर के छोटी क्लासेस से लेकर के बड़ी क्लासेस तक आते हैं ये तीन लॉज। लेकिन बस क्या होता है, उनका जो एप्लीकेशन होता है, उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है, उसका लेवल बढ़ता चला जाता है। तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उनका फॉर्मूला। अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पे, फोर्स से ही संबंधित है लेकिन थोड़ा सा उसमें नई चीज़ें हैं। वो नया टॉपिक क्या है, मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स। तो अभी तक हमने जो देखा था, यहाँ पे तो मोशन हो रहा है जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसे कहेंगे, और क्या ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि जो बराबर एक्सेलरेशन है वो हमेशा बराबर है, जो एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कितना है, वी स्क्वायर बाई आर। ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और ये मोशंस हैं, ये ऐसे मोशन हैं जो एक सेंट्रल फोर्स के, सेंट्रल एजेंसी के प्रेजेंस में ही काम करते हैं। मतलब कि जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का सन के, वो इलेक्ट्रॉन्स का न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का है न्यूक्लियस, उसके अराउंड जो है जो मोशन होता है, या अर्थ का जो मोशन होता है सन के अराउंड, मून का जो मोशन होता है अर्थ के अराउंड, इन सब में जितने भी, या जितने बाकी अगर हम प्लैनेट्स देखें, जुपिटर है, सैटर्न है, ये सब भी जो सन के अराउंड होते हैं, ये सब कैसे वर्क करते हैं, कैसे मोशन करते हैं, ये एक सेंट्रल फोर्स होता है जो इस मोशन को, इनको पाथ को गाइड करता है, उसी पाथ के गाइडेंस में ये मोशन होते हैं। अर्थ का है, अगर सन को हटा दिया जाए, सोचिए अगर अर्थ को, जो सन है उसको पोजीशन से हटा दिया जाए, एक इंस्टेंटली सन वहाँ से डिसअपियर हो जाए, तो अर्थ का क्या वो पाथ रह पाएगा कुछ देर तक, जब तक ग्रेविटी का असर नहीं होगा, असर रहेगा तब तक रहेगा, अदरवाइज अर्थ क्या होगी, अर्थ और सारे प्लैनेट्स एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये ऐसे मोशन होते हैं जिनमें एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट, सेंट्रल फोर्स का काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि एक कार, मान लीजिए अगर एक कार है, एक कार है वो अगर मूव कर रही है, एक कार है वो अगर ऐसे मूव कर रही है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, सपोज एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है उसकी v, उससे अगर वो कार मूव कर रही है, यहाँ पे उस कार को इंटरनली खाली अपने इंजन का यूज़ करना है सिंपली, उसको एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए, उसको और किसी बाहरी फोर्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बाहर मूव करने के लिए, उसको फ्रिक्शन चाहिए टायर्स के बीच में और अपने इंजन में फोर्स लगा के स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। लेकिन अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे कार ही है, इसको अगर सर्कुलर मोशन करना हो, मतलब एक सर्कल में मोशन करना हो, तो क्या ऐसे कर पाएगी, क्या पॉसिबल है ऐसे करना, नहीं। वहाँ पे फिर कोई ना कोई ऐसा एजेंसी चाहिए जो एक फोर्स प्रोवाइड करे कि जिसके चारों ओर मूव करेगी, मतलब कि अगर इसका जो कार का मोशन है वो एक सर्कल में, ऐसे सपोज ऐसे हो रहा है, ये सर्कल का है, पूरा पाथ नहीं है, यहाँ से ये रोड यहाँ पे स्ट्रेट है और यहाँ पे फिर ये रोड इधर को स्ट्रेट है, सपोज ऐसे जाके ऐसे टर्न लेना है इसको, सर्कुलर टर्न एकदम से लेना है, ये रोड है और इस पे कार को मोशन करना है, ये कार जो है यहाँ पे है वो ऐसे इसको सीधा इस डायरेक्शन में जाना है। अब कार को जब जाना है तो यहाँ पे इसको टर्न लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक सर्कुलर टर्न लेना पड़ेगा और वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा तुरंत, क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन मोशन था यहाँ से यहाँ तक में, और यहाँ के बाद उसको सर्कुलर टर्न लेना है, वहाँ पे तुरंत उसको किसी न किसी एक एजेंसी की ज़रूरत होगी जो उसको एक फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंटर में मूव करने के लिए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वही वहाँ पे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, अदरवाइज अगर वहाँ फ्रिक्शन ना हो तो कार ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में ऐसे स्किड होकर, यानी सरकते हुए ऐसे आगे चली जाएगी, वहाँ पे टर्न नहीं हो पाएगी, जैसे वो टर्न होगी फ्रिक्शन है ही नहीं, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो स्ट्रेट लाइन में मोशन भी ज़रूरी नहीं है, मोशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टायर्स और रोड के बीच में जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन का ही फोर्स होता है, वो फ्रिक्शन का फोर्स की वजह से वो टायर रोड को पीछे धकेलते हैं और कार आगे बढ़ती है, वो एक्शन रिएक्शन की पेयर की वजह से। और यहाँ पर भी जब इस कार को मूव करना है तो सर्कुलर मोशन में करने के लिए यहाँ पे इसको कोई ना कोई सेंट्रल फोर्स चाहिए होता है, जिसका सेंटर लगभग यहाँ पे होगा कहीं पे, और ये सेंट्रल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही यहाँ पे जो सेंट्रल फोर्स है प्रोवाइड करेगा। तो यही ऐसे ही सेम गाइडेंस होता है जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं,
अर्थ मूव करती है या कोई भी और प्लैनेट मूव करता है सन के चारों ओर, ये सन है और ये अर्थ है सपोज जो मूव कर रही है, सर्कुलर ऑर्बिट हमें बनाना है, सपोज ये सन, ये ऑर्बिट है सपोज, यहाँ पे थोड़ा सा इनक्यूरेसी है लेकिन यहाँ पे ये जो रफली हम बना दिए रफली यही सर्कुलर ऑर्बिट होगा, ये सन है और अर्थ सपोज यहाँ पे अभी कहीं पे ये पर्टिकुलर एक डिस्टेंस जो है ये आर है, यहाँ पे जो इस सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ जो है वो मोशन कर रही है ऐसे, यहाँ पे भी बिना एक सेंट्रल फोर्स के ये मोशन नहीं हो पाएगा, तो ये ऐसे मोशन होते हैं जब ये, और उसमें सेंट्रल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, सन प्रोवाइड करता है, सन कैसे प्रोवाइड करता है, सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वही फोर्स इस अर्थ को गाइड करेगा कि कैसे इसको मोशन करना है सन के चारों ओर, तो बिना एक सेंट्रल फोर्स के जितने सर्कुलर मोशंस होते हैं वो पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये सर्कुलर मोशन अगर होते हैं सेंट्रल फोर्स के तो कैसे इनमें कुछ लॉज होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ये जो प्लैनेटरी मोशंस होते हैं उनको हम डील करते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो लॉज कौन से होते हैं, तो सबसे पहला लॉ तो वही है ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी का लॉ क्या कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच अगर उनका मास m1 है m2 है, एक का मास m1 है एक का मास m2 है, तो उनके बीच में और उनके बीच में r डिस्टेंस का सेपरेशन है, जो सेपरेशन है वो r है, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है इनके सेंटर में वो है आर, और ये डिस्टेंस हमें थोड़ा इस यहाँ पे क्लियर रखना है कि ये जो डिस्टेंस है ये और ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस कौन सी है, ये इनके सेंटर्स के बीच की है, ये जो सेंटर इसका यहाँ पे होगा और इसका सेंटर यहाँ पे होगा इस लाइन के सामने, तो ये जो डिस्टेंस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं हम आर, मतलब कि अगर दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 है m2 है और उनके सेंटर के बीच में जो सेंटर ऑफ मास है, मास का जो मेन सेंटर है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, अभी हमने देखा था पिछले एग्जांपल में क्या होगा, g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये होगा उनके बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड, जी यानी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और दोनों का मास का प्रोडक्ट अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये होगा उनके बीच का जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे ये फोर्स है जो काम करेगा, और हम अगर हम अब यहाँ पे देखा हमने कि जो मास है उनके हम मास का जो सेंटर है यानी सेंटर ऑफ मास जिसे हम बोलते हैं उससे डिस्टेंस लेते हैं, तो अब समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में होता क्या है और कैसे इसे निकालते हैं कि अगर ये बॉडी इस शेप की है इस साइज की है तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि मास क्या है, और मास की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, मास वो होता है जो क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब कितना मैटर है, कितना द्रव्यमान किसी किसी पिंड में है, किसी बॉडी में कितना मैटर है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है कि क्वांटिटी जो होती है उसे हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का मास। अब मास तो हमें पता है, अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास वो होता है कि अगर एक बॉडी है किसी पर्टिकुलर शेप की, सपोज ये उसका बॉडी का शेप है, सपोज इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट होगा कि जहां पे हम मान सकते हैं कि उसका जो पूरा मास है, सपोज इस बॉडी का पूरा मास जो है वो m है, m मास है पूरी बॉडी का, हम ऐसा पॉइंट इसमें ऐसा होगा जिसके अकॉर्डिंग मान सकते हैं कि इसी पर सारा मास का कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कि सारा मास वहीं से वर्क कर रहा है, वहीं से एक्ट कर रहा है, और वो कहां होगा, कहीं पे इस बॉडी में ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा, सपोज अगर 2D में है या एक पतली सी शीट है पेपर की या पेपर की या मेटल की शीट है, तो यहाँ पे कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे उसका जो मास होगा वो फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होगा, फुल्ली वहाँ से हम देखेंगे कि जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड तो बराबर है, लेकिन अगर हम मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे ना होकर के एक पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, और उस पूरे का मास वही है एम ही है, इस पॉइंट का मास एम है, यानी ये जो मास है पूरा इस बॉडी का वो उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर हम ये मान के चलें तो हमारे जो कैलकुलेशंस होंगे, हमारी जो वैल्यूज होंगी वो सब में कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब कि एक्चुअली में वो जो मास है वो एक पॉइंट से पूरा वर्क कर रहा है पूरे में मास, लेकिन उसका जो मेन इफेक्ट है वो एक पॉइंट से आ रहा है उस बॉडी में, जैसा कि अगर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट सपोज एक बॉल है, ये बॉल है,
इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मतलब कि बॉल में पूरा मास है चारों ओर, अंदर हवा है उसका मास है, और बाहर में जो उसका शीट है जिसके अंदर जो जिससे बॉल बनी होती है, जो मटेरियल रहता है उसका भी मास है, और उससे पूरा बॉल है, पूरा बॉल का मास एक पर्टिकुलर मास होगा। सपोज इसका मान लेते हैं 250 ग्राम, 250 ग्राम्स होगा। सपोज इस बॉल का जो मास है वो 250 ग्राम्स है। अब यहाँ पे इसका ऐसा पॉइंट एक होगा बॉल में जहाँ से ऐसा होगा कि जो बॉडी का जो पूरा मास है, उस बॉल का पूरा मास है वो वहीं से कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा फील होगा कि वहीं से वर्क कर रहा है। मतलब कि ये जो मास का सेंटर है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके सेंटर में। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ये बॉल है, एक सर्कुलर है, स्फेरिकल है। एक्चुअली में 3D में हम जब देखेंगे कि बॉल जो होगी स्फेयर है, और स्फेयर में क्या होता है, मास जो होता है बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस बॉल में मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब अगर इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पे एक सेक्शन ले लें, इतना बड़ा सेक्शन अगर हम ले लें, उसका मास निकालें, और अगर इस डायरेक्शन में भी हम इतना सेक्शन ले लें, इतना ही बड़ा सेक्शन, तो उसका मास निकालें, तो दोनों का मास सेम ही आएगा। मतलब कि जो मास है वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे बॉडी में। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका, और बॉडी जो है वो स्फेरिकल है, तो उसका सेंटर कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसका सेंटर पे होगा, सीधी सी बात है। अगर ऐसे मान लीजिए एक सर्कुलर रिंग है, एक अंगूठी है, या एक जो कहते हैं हाथ में पहनते हैं एक कड़ा होता है, एक ऐसे सर्कुलर शेप में है, ऐसे यहाँ पे बॉल थी, पूरी सॉलिड है बॉल, अंदर हवा है, बाहर जो है बॉल का वो मास है। यहाँ पे जो बॉल है, ये जो रिंग है, ये इसमें केवल इसका जो सर्कमफ्रेंस है, इस सेंटर का जो सर्कमफ्रेंस है, मास केवल इसी पे कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब इसको अगर हम थोड़ा देखें, थोड़ा थिक रहेगा ये, यहाँ से, और जो मास है उसका वो इसी पे है। मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तो इक्वली है, लेकिन यहाँ पे मास है। अगर हम एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेते हैं और देखते हैं, एक जो होता है चूड़ी होती है, उसके बीच में जो उसका मास है पूरा, जो भार है वो केवल उस पे जो उसकी परिधि है, जिसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, उसी पे कॉन्सेंट्रेटेड है। बीच में कुछ मास होता है? नहीं, कोई मास नहीं होता है बीच में। लेकिन उसका जो सेंटर होगा, वो जो मास होगा उसका, जब हम सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो वो वहीं से वर्क करेगा। मतलब हमें ऐसा लगेगा कि जो मास है वो वहीं पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और ये कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, इस सेंटर पे। ये जो कड़ा है, या जो चूड़ी है, रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है, यहाँ पे जो मास होगा ये यहाँ पे एक पॉइंट पे होगा, जो उसका पॉइंट, उसका सेंटर होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो मास है जो वो तो सर्कमफ्रेंस में है, और जो सेंटर ऑफ मास है वो उस बॉडी से बाहर है। वो जो सेंटर है उस बॉडी का पार्ट नहीं है वो, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास उसका होगा, जो मास को जहाँ से पूरा एक्ट करेगा, वो यही होगा, यही पॉइंट पे होगा। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का तो हमें पता है, अगर कोई बॉडी स्फेरिकल है तो उसका ऐसे होगा उसके सेंटर पे, सर्कुलर है तो उसके सेंटर पे। अगर कोई बॉडी सपोज रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर शेप में है, जैसे कि एक स्केल है, स्केल होती है जो मीटर स्केल होती है, वो कौन से शेप में होती है? रेक्टेंगुलर। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें दो डायरेक्शन में चल सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। मतलब एक इसका जो सेंटर होगा इस डायरेक्शन में होगा, और एक सेंटर इस डायरेक्शन में होगा। और जो सेंटर ऑफ मास है, अगर ये बॉडी में जो मास जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्केल में मास पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जहाँ पर ये साइड है, इस टाइप का जो इसका, इस साइड का जो इसका मास है, जो सेंटर है, और जो इस साइड का सेंटर है, वो दोनों जहाँ पे कोइंसाइड करेंगे। मतलब कि इसका जो अगर है ये जो ये साइड है हमारी, जो इसकी विड्थ जिसको कहते हैं स्केल की, इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे इसका सेंटर होगा। तो इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से, जहाँ पे इसका सेंटर पूरे बीच में सेंटर रहेगा ये। मतलब कि अगर हम यहाँ से इस लाइन से इसको डिवाइड करें स्केल को, तो पूरा एक स्ट्रेट लाइन से डिवाइड हो जाएगा, और दोनों पार्ट्स जो होंगे, एक ये पार्ट होगा, एक ये पार्ट, दोनों का मास सेम होगा। और उसी तरह अगर हम सर्च करें कि इस डायरेक्शन में इसके सेंटर क्या है, मतलब इसकी जो लेंथ है उसके डायरेक्शन में इसके सेंटर क्या है, मतलब वो कौन सा पॉइंट है, या कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सी लाइन है जहाँ से हम उसको अगर डिवाइड करेंगे, तो उसका दोनों तरफ उसका मास इक्वल रहेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये लेंथ है इसकी, मान लीजिए L है लेंथ पूरी, तो L/2 पे
एक्सिस को अगर हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ इसका जो मास होगा, इसका मास, जो दोनों पार्ट्स का मास होगा वो सेम होगा। और जब दोनों पार्ट्स का मास सेम है, मतलब कि ये जो लाइन है ये इसकी मास की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ के इसके बराबर है, इधर भी उतना मास है उधर भी मास है उतना, मतलब कि ये इस लाइन के दोनों तरफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है और इस डायरेक्शन में इस लाइन के दोनों तरफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, तो एक्चुअल में इसके सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अब पॉइंट होगी जहाँ पे इसका जो सेंटर है वो दोनों इस टाइप का जो सेंटर है, इस डायरेक्शन का सेंटर और इस डायरेक्शन का सेंटर लाइन जो है वो जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे, मतलब जहाँ एक कोइंसाइड करेंगे जाके, वही पॉइंट होगा इसका सेंटर ऑफ मास। ऐसे अगर इसको सिलेंड्रिकल लें, सपोज एक सिलेंड्रिकल एक फनल है, ग्लास है सपोज जो कि सिलेंड्रिकल है, ऐसे ये सिलेंड्रिकल है, यहाँ भी सिलेंड्रिकल होगा, ऐसे सर्कुलर इसका माउथ है और यहाँ पे इसका आप सेंटर ऑफ मास अगर निकालने की कोशिश करें तो वही इसके इसको किस तरह से इसका सेंटर दो तरफ से किस कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम, एक तो ये होगा हाफ हाफ, जहाँ से लगभग ये लाइन, जहाँ से अगर हम इसको तोड़ दें दो पार्ट्स में कर दें तो दोनों पार्ट्स का मास सेम होगा, मतलब इसके दोनों ओर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। और अगर हम ये जो सर्कुलर रीजन है ऐसे कर देखते हैं तो इस सर्कुलर रीजन में इसमें ये अगर इसको हम ऐसे उठा के ऐसे इस प्लेन में रखते हैं तो ऐसे दिखेगा सामने से, इस रीजन में इसका सेंटर क्या होगा, जहाँ पे सेंटर रहेगा इस रीजन में सेंटर क्या होगा, ये इस पॉइंट पे। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास अब वहाँ पे होगा जहाँ पे ये पॉइंट और ये लाइन कोइंसाइड करेंगे, मतलब कि यहाँ पे सेंटर अगर ड्रा करें यहाँ इसके बीच में से तो एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन ये तो आ ही रही है, इसके अब इस लाइन के चारों ओर भी जो मास है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, अब इस लाइन के जो चारों दोनों ओर जो है मास का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, तो वही अब पॉइंट ऐसा पॉइंट हमें मिल गया है जिसके चारों ओर हर ओर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, तो वो पॉइंट क्या हो गया, यही पॉइंट जो पॉइंट होगा यहाँ पे ये पॉइंट यही होगा इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास अगर वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, मतलब लाइन के एक लाइन के अराउंड सिमेट्रिकल है हर डायरेक्शन में, एक ना एक लाइन हमको मिल जा रही है दोनों डायरेक्शन में उसके, सपोज अगर प्लेन में हम लेंगे तो एक्स प्लेन और वाई प्लेन में, यानी अगर लेंथ में और ब्रेथ विड्थ में दोनों में हमें उसका एक लाइन मिल जा रही है जिसके अराउंड उसका मास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर कोई इरेगुलर बॉडी है उसका भी सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने ये पहला एग्जांपल जो देखा था, ये इसका सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, अगर ये सपोज हमें कहें मेटालिक शीट है जिसका मास एम है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो एक तरीका ये है कि इसमें हम किसी भी तीन जगह पे होल कर लेंगे, जैसे एक होल मान लीजिए यहाँ पे कर लिया, एक यहाँ पे कर लिया और एक यहाँ पे कर लिया, किन्हीं भी तीन जगह पे, फिर क्या करें इन होल्स से इस ऑब्जेक्ट पूरा से सस्पेंड कर दें, सिंपली ऐसे होल जो है वहाँ से इसको सस्पेंड कर दें, एक दीवार पर लगा दें और एक लाइन एक स्ट्रिंग लगा दें, एक धागा लगा दें उसी होल से, उसी होल के डायरेक्शन में सीधा परपेंडिकुलर, मतलब अगर इसको सस्पेंड करेंगे ऐसे, सपोज ऐसे सस्पेंड कर रहे हैं और ये ऐसे ही रह रहा है तो जो धागा लगाएंगे हम जो या स्केल लगाएंगे वो कैसे आएगी, ऐसे आएगी, तो उसका जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे कोइंसाइड होगा, यहाँ पे लगेगा पूरा, मतलब पूरा लाइन जो है तो यहाँ पे इसके लाइन बना देंगे जहाँ से वो पूरा हैंग हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है, और फिर इस वाले होल से जब हम हैंग करेंगे तो उस कैसे शेप बन के आएगा, इधर से अगर हम देखें यहाँ से तो यहाँ पे अगर हम हैंग करेंगे तो ऐसे रहेगा, ये तो सेंटर है जहाँ से ये लग रहा है छोटा सा, और उसके बाद ये पूरा ऐसे, और जो भी इसका शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं कि यहाँ से, और फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, एक जो लाइन हैंग होगी जो स्केल है वो हैंग होगी वो इस डायरेक्शन में हैंग होगी, तो तीनों डायरेक्शन में हम ऐसे सेंटर से लटका करके, इसे हर पॉइंट से लटका करके हम ये निकाल सकते हैं कि इस जो ऑब्जेक्ट है ये तीनों लाइन तीनों कहाँ से आती हैं, तो एक लाइन यहाँ से जाएगी, एक लाइन यहाँ से जाएगी और तीसरी लाइन यहाँ से जाएगी, और तीनों एक ना एक पॉइंट पे, यहाँ पे स्केल पे नहीं ड्रॉन है इसकी वजह से नहीं क्लियर है, लेकिन तीनों एक ना एक पॉइंट पे जाके मैच करेंगी, एक ना एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी, मिलेंगी और वही पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। बस क्या है कि जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए हर जगह पे,
उससे क्या होगा कि मास का इस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो इसकी थिकनेस के डायरेक्शन में, वो बराबर रहेगा। उससे हम इसकी जो विड्थ है उसके डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास से रैंक करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कि मास जो होगा वो हम सेंटर ऑफ मास से एक ऑब्जेक्ट का कैसे निकाल सकते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट जो अगर सिमेट्रिकल है तो, अगर सर्कुलर है तो उसका सेंटर होगा, और अगर रेक्टेंगुलर है तो उसका जो डायगोनल सेंटर होगा। इसको हाफ से डिवाइड कर दें लेंथ में, हाफ से डिवाइड कर दें विड्थ में, और उन डिविजन्स का जहाँ पे वो जहाँ कोइंसिडेंस होगा, जहाँ पे वो कोइंसाइड करेंगे, वही होगा उसका सेंटर ऑफ मास। और अगर कोई इरेगुलर शेप बॉडी है तो उसका ऐसे हैंगिंग से, मतलब उसको तीन जगह पे कहीं पे हम होल्स कर लें, उन होल्स से उसको हैंग कर दें, लटका दें कहीं दीवार पे, और फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, ये लाइन यहाँ से यहाँ पे जा रही है। जैसे कि ये हमारा फ़ोन है, इसका जो अगर अगर देखें है तो रेक्टेंगुलर, ये फ़ोन जो है वो है रेक्टेंगुलर, लेकिन यहाँ पे कुछ मास यहाँ पे हैं, कुछ मास यहाँ पे एक्स्ट्रा निकला है, ये सब मास जो हैं वो एक्स्ट्रा निकले हैं। तो अगर इसको इरेगुलर बॉडी माने तो इसको हम सपोज जो होल्स हैं वो तीन होल्स हैं, ये एक यहाँ पे किए, एक यहाँ पे किए, यहाँ पे किए, ये कहीं भी आर्बिट्रेली हम बना सकते हैं होल्स, बस डिपेंड है, बस ये कंडीशन है कि होल्स एक पॉइंट पे नहीं होने चाहिए, कि तीनों होल्स एक जगह पे हों, अलग अलग तीन जगह पे कर दें। तो एक से इसको हैंग करेंगे, सपोज होल से हैंग किया ये, तो कुछ इस शेप में आ गया। यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे या एक ऐसे एक स्केल रखेंगे तो कैसे जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी ऐसे होते हुए, और अगर हम यहाँ पे करेंगे तो इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगी ऐसे करते हुए, और फिर एक सपोज एक पॉइंट यहाँ कर लेते हैं, ऐसे हैंग होगा। और फिर देखेंगे जब तीनों को हम देखेंगे, तीनों पॉइंट्स को, तीनों लाइंस को मिलाएंगे, तो वो एक पॉइंट पे जाके कोइंसाइड करेंगे, और जो वो एक पॉइंट होगा वो क्या होगा, वही उस ऑब्जेक्ट का, उस जैसे फोन है उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहाँ पे कहीं पे आएगा, इस पॉइंट पे, जहाँ से वो तीनों लाइंस एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं। तो ये थी आज हमारी की जो बेसिक्स थी, कि हम सेंटर ऑफ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन में पढ़ा, फिर सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होता है उसका फॉर्मूला पढ़ा कि कैसे हम निकालते हैं, और उस सेंट्रिपेटल फोर्स के हेल्प से सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन कितना निकालते हैं, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो उसको निकाला। तो एक बेसिक सा उसका हम पूरी का डिवीजन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या था, एक्सेलरेशन को देखा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, कितना चेंज हुआ, यही होता है हमारा एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर को अगर हम एम से डिवाइड कर दें, यानी कि सेंट्रिपेटल फोर्स तो हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर है, और हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एफ बाई एम, यहाँ से एफ इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मास अपॉन फोर्स अपॉन मास, और फोर्स अपॉन मास जैसे हमने किया, या फिर हम दोनों इक्वेशंस को जैसे इक्वेट करते हैं कि एम वी स्क्वायर बाई आर जो है वो एम ए के बराबर है, वहाँ से हमारा आ गया ए कितना होगा, यानी ए सी, यहाँ पे ए सी यानी सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन वो है, वो कितना हमारा आएगा, वी स्क्वायर बाई आर, ये होता है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का। उसके बाद हमने फोर्स का निकाला, एक एग्जाम्पल समझा कि अगर सेटेलाइट है वो अर्थ की चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो उसका जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। तो ये वैल्यू आई थी कहाँ गया एक्सेलरेशन की, ये जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये था उसका सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। और वहाँ से हम इस एक्सेलरेशन से निकाल सक रहे थे कि उस बॉड जो सेटेलाइट है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये होगा अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर, ये हमने उसी फॉर्मूले से निकाला था। उसके बाद जो कार वाला हमारा एग्जाम्पल था, ये क्या दिखा रहा था कि ये जो फोर्सेस हैं, जो मोशन है, ये एक सेंट्रल फोर्स के अंडर में आते हैं, मतलब कि एक फोर्स होगा जो कि एक सेंटर से वर्क कर रहा होगा, वही इसको सर्कुलर मोशन कराएगा, अदरवाइज ये जो फोर्स मोशंस होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे, एक सेंट्रल फोर्स के अंडर में ये मोशन होंगे। उसके बाद हमने लिखा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है एक ऑब्जेक्ट में, एक पूरी बॉडी में ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे उसका पूरा मास, हम ये मान सकते हैं कि पूरा मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब पूरा मास अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस बॉडी में, तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा वहाँ पे 3D में चारों ओर से अगर देखेंगे तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे उसका पूरा मास जहाँ से वर्क करेगा, जहाँ से लगेगा कि ये मास जो पूरा है यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, इसी पॉइंट से पूरा मास काम कर रहा है, वो होगा सेंटर ऑफ मास। और निकालेंगे कैसे, कैसे पता लेंगे, एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर जो होगा, उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का, सिमेट्रिकल मतलब जो सिमेट्रिक हो, किसी दोनों चार तरफ या तीन तरफ से बराबर हो, सर्कल है ये सर्कल रहेगा, सर्कल सिंपल सा है, ये कितना है, ये
किसी भी डायरेक्शन में देखें, अगर किसी भी डायरेक्शन में एक लाइन से हम देखें, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर दें, उसके चारों ओर इसका जो मास है वो बराबर रहेगा, बराबर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो ये एक पॉइंट सिमेट्रिकल है। एक पॉइंट इस पॉइंट के सेंटर के चारों ओर अपने सिमेट्रिकल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा। एक स्फेयर है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर। एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का चूंकि हमें ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा, इसकी लेंथ का ज्योमेट्रिकल सेंटर निकाल लें, और फिर इसका जो क्रॉस सेक्शन है, जो गोल वाला पार्ट है, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर निकाल लें, और वो दोनों जहाँ पे कोइंसाइड करेंगे तब कहीं यहाँ पे वो होगा उसका सेंटर ऑफ मास। स्केल थी वहाँ पे भी, उसको जहाँ पे हम उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, यानी जहाँ पे उसके डायगोनल सेंटर से डिसाइड करेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि जहाँ पर उसके जो दोनों लेंथ में, उसको अगर लेंथ में और विड्थ में दोनों में डिवाइड करें, और जहाँ पे वो डिवीजन से एक दूसरे से कोइंसाइड होंगे, वो होगा उसका सेंटर ऑफ मास। और एक इरेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, एक फॉइल है सपोज, एक शीट है मेटल की, वो इरेगुलर शेप में है, तो कैसे, तीन जगह उसमें आप होल्स कर लीजिए, और उन होल्स से उसको सस्पेंड कीजिए, लटकाइए कहीं पे, और फिर जिस डायरेक्शन में वो हैंग हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जो कि एकदम स्ट्रेट हो, परपेंडिकुलर हो अर्थ के, यानी हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और ऐसे तीनों पॉइंट से कीजिए, तीनों लाइन जहाँ पे कोइंसाइड होंगी वही होगा उसका सेंटर ऑफ मास। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आगे की जो टॉपिक्स हैं हम आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक्स कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कुछ पॉइंट्स हों आपको समझ में ना आए हों, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उनको आने वाले वीडियोस में हम उनके एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये पॉइंट्स कहाँ हैं, उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन क्या है, वो आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। थैंक यू।